गरीब का फ्री एलपीजी गैस स्टोव। रामांतपुर के गांव में एक गरीब कॉलोनी था, उसमें सब लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस कॉलोनी को एक कार में साहू कहकर एक आदमी आया। उसे देखकर उस कॉलोनी के सब नौजवान लड़के बहुत खुश हुए। उसके पास उनका दोस्त राठौड़ और जीवन दोनों आए। तब साहू से राठौड़, अरे यार, छोटे से उम्र में ही तुम शहर चले गए थे, हम याद में रहेंगे कहकर बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब तुम्हें देखने से मुझे तो बचपन में हम मिलकर पढ़ाई करने का दिन याद आ रहे हैं, पता है? कहा। तब साहू, अरे मुझे भी आप याद आए थे, इसलिए इतना दूर आपको ढूंढते हुए आया हूँ। ये विक्की क्या कर रहा है? पूछा। तब जीवन, ओ उस सर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसका पिता का भाग्य अच्छा मिलकर उसका रेंज एकदम बदल गया है। उसे पैसे मिलने के बाद हमसे बात करना छोड़कर हमें तकलीफ करना भी शुरू किया। हर बार हमें नीच नजर से देखना और उनके दोस्तों के साथ मिलकर हमें परेशान करना, ऐसा करता है वो, इसलिए उसके साथ बिल्कुल मिलना ही हमने छोड़ दिया। कहा। तब साहू, ठीक है उसके बारे में छोड़ो, हम ऐसे ही जंगल में साइट सीइंग के लिए जाकर एंजॉय करेंगे, बाद में सब मिलकर बातें करेंगे। कहा। ऐसे वे सब लोग मिलकर जंगल में गए थे। जंगल के अंदर जाने के बाद वे कुछ मुर्गियों को पकड़े। ऐसे ही उधर विक्की और उनका दोस्त जुम्बो दोनों मिलकर जीप में आए। उधर राठौड़ वालों को देखकर वे लोग बहुत कमेंट्स करना शुरू किए। ये देखकर साहू से जीवन, देखा उसे, उसका ओवर एक्शन, जाओ तुम भी जाकर बात करो, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ कहेगा। कहा। तब साहू, छोड़ दो यार, अगर टाइम आएगा तो वो खुद आएगा, वो सब छोड़ दो, बहुत भूख लग रहा है, जल्दी सब लोग लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाओ, मुर्गियां पका देते हैं, उनको तैयार करो। कहा। तब जीवन और सब लोग मिलकर खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा किए थे। बाद में विक्की वाले उनका जीप में उन्होंने लाया मटन को पकाने के लिए बाहर निकले। इतने में उधर एक ही बार तेजी से बारिश गिरने लगा। तब सब लोग पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए थे। अब जीवन वालों को देखकर जुम्बो से विक्की, देखा जुम्बो, अगर दरिंदर नजदीक रहता है तो मुंह तक आया हुआ खाना भी नहीं खा सकते हैं, खर्मा है ये दरिंदर कहीं के इधर ही दिखाई देना है क्या? अच्छा मटन लाने से भी कोई उपयोग नहीं है। कहा। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। अब साहू से जीवन, मामू अब हम इधर कुछ नहीं पका सकते हैं, लकड़ियां पूरा भीग गए हैं, अब वे नहीं जलेंगे, इसलिए थोड़ा आगे जाएंगे तो कुछ न कुछ ढाबा रहता है, उधर ही कुछ खा लेंगे। कहा। तब साहू, डोंट वरी गाइस, आई हैव अ प्लान, वही दिखाने के लिए इधर आया हूँ, वो क्या है कि एलपीजी विद पेट्रोल वाटर एंड एयर प्रेशर, कहकर उनके पास तीन बॉटल्स को निकालकर उनको एक दूसरे से एक कनेक्शन देकर गैस स्टोव को तैयार किया। ये देखकर जीवन वाले हैरान रह गए। अब स्टोव को जलाकर अच्छा सा चिकन और चिकन बिरयानी को तैयार किया। तब सब उसे खाने के लिए प्लेट्स तैयार रखे। अब राठौड़ वालों से साहू, मामू वो विक्की को देखो, एकदम कुत्ते के तरह इधर ही देख रहा है, उसे भी बुलाओ, वो तो भूख से मर जाएगा, बचपन से उसे तो भूख ज्यादा लगता था ना, इधर ही घूर के देख रहा है। कहा। तब राठौड़ वाले जाकर विक्की और जुम्बो को खाने के लिए बुलाए। तब विक्की और जुम्बो दोनों उधर आकर उनके साथ मिलकर खाना खाए। बाद में उनके सामने वाला उनका बचपन का दोस्त साहू है कहकर पता चलकर विक्की बहुत खुश हुआ। बाद में राठौड़ वालों से भी विक्की अच्छे से मिल गया। बाद में सब वापस जाने के बाद साहू के स्टाइल में गरीब एलपीजी गैस स्टोव को तैयार करके लोगों को दिखाया। मुश्किल समय पर ऐसे गैस स्टोव तैयार कर सकते हैं कहकर सबको कैसे बनाना है ये दिखाया। ये देखकर उधर के सब लोग तालियां बजाए।